सो हे गाइस, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भी आज किस वाले वीडियो पे आपको बताएंगे कि क्या ग्राफिक्स में आपका गाइस रिकॉल कंट्रोल होता है, ठीक है, जो आपका गाइस हाईएस्ट ग्राफिक्स होता है, जैसे कि आपका अगर पोको एक्स थ्री प्रो है या फिर कोई भी डिवाइस है जिसमें गाइस स्मूथ पे आपका एक्सट्रीम या फिर गाइस आपका एचडीआर पे एक्सट्रीम चल रहा, तो दोनों में किस में गाइस रिकॉल कंट्रोल सबसे अच्छा होता है, तो गाइस ये चीज बात करेंगे। सो गाइस बहुत सारे बंदे ये बोलोगे कि ये क्या बंदा बोल रहा है, बट गाइस यहाँ पर वीडियो पे आप फुल वॉच करो गाइस, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि रिकॉल कंट्रोल गाइस हाईएस्ट ग्राफिक्स पे भी मैटर कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो गाइस वीडियो पे एंड तक वॉच करना, और ऐसे ही मतलब वीडियो आपको चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस अभी आगे वीडियो को देखो, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं रिकॉल कंट्रोल बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्कोप का जो क्रॉसर आपको दिखता है गाइस वो किस तरह का दिखता है स्मूथ एक्सट्रीम पे और गाइस आपका बैलेंस्ड एक्सट्रीम पे और गाइस आपका यहाँ पर एचडीआर अल्ट्रा पे, ठीक है। तो देखो गाइस ये है हमारा स्मूथ और एक्सट्रीम, ठीक है। आप स्कोप देख लो यहाँ पर कैसा दिख रहा है, इसका क्रॉसर आप देख सकते हो कितना मतलब मोटा टाइप का दिख रहा है गाइस। अभी आप देख सकते हो जो इसका क्रॉसर है मिडिल वाला चीज, ठीक है, मिडिल वाला चीज। तो देखो अभी बैलेंस और एक्सट्रीम में यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो बैलेंस और एक्सट्रीम में गाइस यहाँ पर देख सकते हो सेम क्रॉसहेयर यहाँ देखने को मिल रहा है स्कोप का, जो आप एम लगाओगे जिससे, ठीक है, तो सेम दिख रहा है। बट यहाँ पर जैसे ही गाइस आपका जो हाईएस्ट होता है, जैसे कि पोको एक्स थ्री प्रो में है एचडीआर में एक्सट्रीम, लेकिन मेरा यहाँ आईपैड मिनी में है गाइस एचडीआर पे अल्ट्रा, तो गाइस एचडीआर पे अल्ट्रा ही करते हैं जितना कि मेरा हाईएस्ट है, ठीक है। तो अब जो इसका क्रॉसहेयर का सीन होता है गाइस स्कोप का, देख सकते हो कितना ज़्यादा पतला हो चुका है। तो गाइस इससे एक तो मतलब बेनिफिट आपका ये होता है कि आप एम हेड पे ले जाओगे तो इजीली मतलब जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर मोटा में हमारा क्रॉसहेयर दिख नहीं रहा जो गाइस पूरा मतलब ढक जाएगा बॉडी को, तो आप इजीली मतलब ये पतला जो सीन आ रहा है गाइस आप इजीली हेड पे ले जा सकते हो गाइस, इससे एम जो आपका बहुत ही परफेक्टली होगा। और इसका जो स्प्रे है ना बहुत ही ज़्यादा ओपी है स्मूथ एक्सट्रीम, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर स्प्रे मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखो स्मूथ और एक्सट्रीम का स्प्रे ये रहा गाइस स्प्रे, तो गाइस आपने स्कोप को गौर किया कुछ इस तरह से स्कोप हुआ हमारा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हिलता हुआ, ठीक है, ऐसा हिलता हुआ। लेकिन वैसे ही गाइस अगर आपका पास जितना हाईएस्ट यहाँ पर शो हो रहा है एचडीआर पे, आप वही एक बार करो और ओके करो और इसका स्प्रे आप एक बार चेक कर लो गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस सो गाइस हमारा स्कोप का जो मूवमेंट होता है गाइस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, जो ऐसा ऐसा हो रहा था, ठीक है, ऐसा ऐसा हिल रहा था स्प्रे का टाइम, वो गाइस यहाँ पर कम देखने को मिल गया हमारा हाईएस्ट सेटिंग पे, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से आप स्प्रे में आपको दिखा देता हूँ, तो गाइस लिटरली बताऊँ इतना स्मूथ मतलब फायर जा रहा है कि क्या ही बताएं, कि अगर दूर में कोई बंदा रहेगा तो आप इजिली उसे डाउन कर सकते हो गाइस, इजिली डाउन कर सकते हो। देखो जैसे कि ये, तो गाइस देख सकते हो स्प्रे कितना ज़्यादा सही जा रहा है। तो गाइज अभी आप देखो एक बार आपका स्मूथ और एक्सट्रीम में बहुत ही ज़्यादा स्कोप थोड़ा सा मतलब मूवमेंट ज़्यादा करता है, मतलब हिलता बहुत ही ज़्यादा है। देखो जैसे कि ये, स्प्रे गाइज लग रहा है आपको सेम हो रहा है, बट गाइज यहाँ पर जो मूवमेंट होता है गाइज स्कोप का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो थोड़ा स्मूथ एक्सट्रीम पे ज़्यादा हो रहा है, बट जैसे यहाँ पर मैं अल्ट्रा और एचडीआर और अल्ट्रा पे कर दे रहा हूँ, तो गाइज हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है गाइज स्कोप में, जो गाइज मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखो देख सकते हो मतलब एकदम इजीली मतलब रेंडर सारा बुलेट रेंडर हो जा रहा है। तो गाइज़ ये चीज़ सीन है गाइज़, आपका जितना भी हाईएस्ट सेटिंग आप उस पर खेलोगे तो ये बेनिफिट है। और गाइज़ आपका स्मूथ एक्सट्रीम तो ऐसे हालांकि सब खेलते हैं क्योंकि उसमें 60 एफपीएस मिलता है गाइज़ हमेशा हमें कॉन्स्टेंट मिलता है गाइज़। तो गाइज़ ये चीज़ है। अब हमारा सेंसिविटी आप देख लो यहाँ पर, अगर आपको मेरा सेंसिविटी रखना है तो गाइज़, और हमारा कंट्रोल कोड मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं आईपैड में अगर खेल रहा हूँ तो गाइज़ आपका क्लोज वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ सेट हो सकता है, बट जो मेरा सेंसिविटी ये गाइज़ रियलमी 6 का ही है आईपैड में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको ये अगर आप रखते हो। तो गाइस देख सकते हो कैमरा सेंसिविटी ऊपर फ्री लुक वाला जिसमें आई बटन का काम करता है, और गाइस नीचे हमारा कैमरा सेंसिविटी ननजारो प्लेयर के लिए, तो गाइस ये मैंने सेट करके रखा ऑलरेडी बट मैं खेलता नहीं हूँ ननजारो। और गाइस नीचे रहा हमारा एडीएस सेंसिविटी जो रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए मदद करता है ननजारो प्लेयर के लिए, तो ये भी मैं सेट करके रखा हूँ रियलमी 6 का ही, तो आप ये भी आप इजी सेट कर सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला और लगभग आपके सारे डिवाइस पर वर्क हो जाएगा, क्योंकि मैं लो एंड डिवाइस पर भी यही सेंसिविटी यूज़ करता था रेडमी Y2 में। अब गाइज नीचे हमारा आता है जायरोस्कोप सेंसिविटी जो मैं यूज़ करता हूँ, तो गाइज ये चीज़ आप देख लो। और TPPM और FPPM जो है गाइज ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जो न्यू आपका बटन आया, क्योंकि ये सही नहीं लगता, इसलिए गाइज इसका सेंसिविटी मैंने सेट नहीं किया। बाकी जितना भी स्कोप है गाइज सब सही सेट है जायरोस्कोप वालों के लिए। तो ये गाइज सिर्फ कैमरा का काम करता है, रिकॉइल कंट्रोल इससे नहीं होता। नीचे आता है ADS, इससे गाइज आपका जो थर्ड पर्सन स्कोप होता है ये आपका क्रॉसहेयर का भी काम करता है, और गाइज आपका जो बाकी सारा सेंसिविटी गाइज आपको रिकॉइल कंट्रोल के लिए मिल जाता है। सो गाइस अभी आपको कोड दिखाने का टाइम आ चुका, तो गाइस ये रहा हमारा कोड, तो गाइस देख लो ये रहा हमारा कोड, कोड वर्क होगा तो लगा लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर कोड वर्क नहीं होगा तो मैं वहाँ पर कमेंट कोड देने का कोशिश करूँगा न्यू।
सो गाइस यही था, तो गाइस यही था आज के इस वाले वीडियो पे। आई होप कि आपको वीडियो सही लगा हो, तो गाइस जल्दी से अपने फ्रेंड को शेयर करो, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटे केयर, टाटा बाय बाय।